Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने एक सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के चचा शिवपाल सिंह यादव ने खुलेआम मंच पर घोषणा कर दिया है। जी हां, बात करें तो वो कौन सी लोकसभा सीट है और वहां का कैंडिडेट कौन होगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं से मिलने मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में फिरोजाबाद लोकसभा सीट से अक्षय यादव ही समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे और वो पार्टी के आदेश को स्वीकार करेंगे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंके जाने पर बोलते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें राजनीति में नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष के लोगों के साथ ऐसा करेंगे तो फिर उन्हें इसका परिणाम मिल गया है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फेंका फेंकी की सियासत राजनीति में नहीं होना चाहिए। वहीं जो कुछ प्रदेश में हो रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर हो रहा है। वही बात करें तो फिरोजाबाद सीट से अक्षय यादव के चुनाव लड़े जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी जो आदेश देगी उस पर हम चुनाव लड़ेंगे और पार्टी के आदेश को स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया था कि फिरोजाबाद सीट से इस बार अक्षय यादव ही चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि साल 2019 में चुनाव समाजवादी पार्टी अक्षय यादव के सामने शिवपाल सिंह यादव प्रसपा के बैनर तले चुनाव में उतर गए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के अंदर हुई अंदरूनी लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिला था और यहां से बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रसेन यादव ने जीत हासिल कर ली थी। लेकिन अब जो है एक बार फिर पहले ही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के चचा शिवपाल सिंह यादव ने अक्षय को चुनावी मैदान में उतारने की बात कहती है। बाकी आपको क्या लगता है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।